लाख से लेके 8 लाख एक्स शोरूम ये हमें टियागो मिल जाती है आज। बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। हेलो कालवा, मैं आज आपके लेके आऊँ टाटा की टियागो टॉप मॉडल। तो रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो पर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं टियागो के फ्रंट लुक से। जैसे हम फ्रंट साइड में देखेंगे तो हमें मिल जाती है हेडलाइट की यूनिट जो कि हेलोजन लाइट में आती है। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा चल। साथ ही में यहाँ पे हमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी जाती है। थोड़ी फ्रंट में आएंगे तो एरोडायनेमिक टाइप की हमें ग्रिल मिल जाती है जो कि टाटा के लोगों के साथ में आती है। फिर नीचे में हमें मिल जाते हैं यहाँ पे फॉग लैंप, साथ ही में रेडिएटर ग्रिल वगैरह मिल जाती है। इसमें स्कर्ट प्लेट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है हमें टोइंग हुक यदि बाय चांस आपका स्टक हो जाए तो आउट करने के लिए। चलिए अब रुको जरा, सबर करो। बात कर लेते हैं अपन फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स, आप यहाँ पे सेंसर देख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन पार्ट की। फ्रेंड्स, इसमें हमें मिल जाता है 1199 सीसी का पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन जो कि हमें 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, साथ ही में 72 bhp की पावर जनरेट करता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 5.5 लाख से लेके 8 लाख एक्स शोरूम ये हमें टियागो मिल जाती है। बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। आजकल तो इसका ईवी जनरेशन साथ ही में सीएनजी जनरेशन भी आने लगी है टियागो की। ये रही इसकी साइड लुक। हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो हमें इसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि 35 लीटर से लेकर 60 लीटर तक के का रहता है। तो हमें इसमें 175 60 और 15 इंची के इसमें हमें अलॉय व्हील के साथ में टायर मिल जाते हैं। अब जैसे ऊपर आएंगे तो हमें मिरर में हमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये हमें बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिलते हैं। ये लगे इसकी साइड प्रोफाइल, इसमें कोई भी सन वाइजर्स वगैरह भी लगे नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, अब ये रही इसकी टियागो की बैक साइड। ये रही टियागो की बैक लाइट वगैरह, इसमें हमें इंडिकेटर के यहाँ पे LED नहीं मिलता, सब कुछ हेलोजन ही रहता है। यहाँ पे रिवर्स लाइट मिलती है, यहाँ पे ब्रेक लाइट, यहाँ पे हमें नाइट लैंप वगैरह मिल जाता है। अब जैसे टियागो की बात करें तो इसमें हमें 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमें इसमें 4 सेंसर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे मिल जाती है टियागो की बेजिंग, साथ ही में हमें वाइपर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीटर्स के भी देख रहे होंगे आप। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कोई भी टॉप मॉडल हो या फिर बेस मॉडल, यहाँ पे हमें बेजिंग नहीं मिलती है। सबसे पहले हम चाबी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें लॉक प्लस यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प का यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है जो ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे हमें की मिल जाती है। चलिए हम बूट को खोलते हैं। ये रहा इसका बूट जो कि 242 लीटर में मिलता है। यहाँ पे मिल जाती है हमें टूल किट्स, साथ ही में पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें कोई ऐसा ज़्यादा हैवी रहता नहीं जो नॉर्मल गाड़ियों में रहता है। यहाँ पे सॉकर्स वगैरह हैं और हमें बंद करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है जो कि हम इसे बंद करके यू लॉक कर सकते हैं। टियागो के ऊपर साइड की बात करें तो इसमें हमें ड्यूअल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये सिंगल कलर्ड में है। यहाँ पे हमें मिल जाता है हाई स्टॉप लैम्प जो कि ये भी LED नहीं है, सब कुछ हेलोजन है। यहाँ पे एसेसरीज पार्ट है। यदि मैं टियागो के डायमेंशंस की बात करूँ तो इसमें हमें लेंथ मिल जाती है 3765 mm की और विड्थ की बात करें तो 1677 mm की हमें विड्थ मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके हाइट की, तो 1535 mm की हमें हाइट मिल जाती है। अब व्हील बेस की, तो हमें 2400 mm की इसमें व्हील बेस मिल जाता है। चलिए ये तो बात हो गई टियागो के प्राइसिंग प्लस व्हील बेस वगैरह, डायमेंशंस वगैरह की, इंजन वगैरह की। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर साइड की कि इंटीरियर से कैसी दिखती है टियागो। चलते टाटा टियागो के अंदर साइड में और बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। जैसे आप टियागो के अंदर में बैठेंगे तो एक बहुत बढ़िया कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है हमें टियागो में, जो कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से है, जो हमें टॉप टाइप में बिठाता है। एकदम टॉप तो नहीं, हैचबैक है इसलिए नॉर्मल टॉप साइज में बिठा देता है बाकी कारों के मुताबिक। यहाँ पे हमें मिल जाता है रेन सेंसर जो कि ऑटोमेटिक वाइपर्स को ऑन करता है। साथ ही में इधर हमें दी गई है ट्विटर की प्लेसमेंट्स, इधर साइड में मिरर कंट्रोल दिया गया है और फिर उसके बाद में दिए यहाँ पे एक रेड फिनिश में जो कि बॉडी कलर से आउट टच है, हल्का फिनिश है। इसी वेंट्स में इस साइड में भी सेम वर्क किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सीट्स की, ये तो हमें आउटसाइड से लगानी पड़ी है सीट कवर। यहाँ पे डोर लॉक दिया जो कि नॉर्मल है एज यूजुअल। यहाँ पे हमें विंडो अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया गया है। साइज है यहाँ पे मिल जाता है हमें लैपटॉप वगैरह रखने की या फिर डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की। यहाँ पे मिल जाता है हमें हैजार्ड लाइट का जो कि हैजार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे मिल जाता है हमें हरमन का साउंड सिस्टम जो कि 10 इंची स्क्रीन है इसकी, इस पर भी हम थोड़ी देर से बात करेंगे। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें कंट्रोल्स,
यहाँ पे सेफ्टी लॉक्स वगैरह के दिए गए हैं। यहाँ पे मिलते हैं हमें एसी कंट्रोल ऑटो ऑन ऑफ का। यहाँ पे मिल जाता है हमें फोन रखने के लिए, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है इस मॉडल में। यहाँ पे एक यूएसबी, यहाँ पे ऑक्स का ऑप्शन दिया गया नहीं, यहाँ पे ऑक्स का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मिल जाता है हमें 12 वोल्ट का डीसी चार्जिंग पॉइंट। अब जैसे ही उसके थोड़े से इसमें आएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स जो कि मैनुअल है। अब इधर साइड में ये एयर फ्रेशनर है, ये हैंड ब्रेक्स, यहाँ पे कोई भी हमें आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हरमन साउंड सिस्टम की। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्पीडोमीटर जो कि डिजिटल है, फुल्ली टू फुल्ली डिजिटल। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसमें पुश स्टार्ट ऑन ऑफ का स्विच नहीं आता, ये सेकंड टॉप है। देखा होगा आपने एकदम प्यारा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ की बात करूँ तो स्टेयरिंग मिल जाता है जो कि इसी में माउंटेन कंट्रोल वगैरह हर चीज दिया गया है। इसमें स्टेयरिंग एडजस्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से स्टेयरिंग अप एंड डाउन हो जाता है। यहाँ पे थोड़े से पॉकेट्स वगैरह टाइप का दिया है, स्पेस को बहुत अच्छे से कंज्यूम करती है आजकल तो टाटा। अब बात कर लेते हैं डोर की, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में हैंडल, साथ में सिल्वर डोर ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है हमें पावर विंडो के कंट्रोल, सीट बेल्ट्स, यहाँ पे टिकट होल्डर जो कि आपने देखा होगा इससे पहले। यहाँ पे मिल जाती है हमें माइक की प्लेसमेंट्स, यहाँ पे मिलता है हमें मिल जाता है हमें एक मिरर जो कि डे डीम या फिर नाइट डीम जो भी बोलते हो है नहीं, यहाँ पे हमें हैंड से ही करना पड़ता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया गया लेकिन इसमें कोई लाइट्स या फिर मिरर को हाइड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब इधर की बात करें तो इसमें हमें कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की, अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की। बैक साइड जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके सीट के कंट्रोल्स। मिल जाते हैं हमें सीट्स के कंट्रोल जो कि ये हाइट एडजस्टिंग के लिए है, ये इस साइड से और ये आगे पीछे करने के लिए। मैं इसको फ्रंट में कर देता हूँ पूरी। चलते टियागो के बैक साइड में, पैसेंजर साइड में। यहाँ पे मैं सीट आगे किया हुआ हूँ तो थोड़ा यहाँ पे बताना मुश्किल है, मैं इस साइड में बैठ के बताऊंगा। यहाँ पे मिल जाता है एक, अब यार ये ही दिक्कत करता है थर्ड पर्सन, यदि कोई बैठ रहा है थर्ड बंदा या कोई भी तो उसको थोड़ी सी दिक्कत इसी की वजह से होती है। अब बात कर लेते हैं इस साइड में, तो तीन बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक ट्विटर प्लस एक ऊपर जो कि हरमन साउंड सिस्टम है, यहाँ पे मिल जाता है ग्रैब हैंडल। अब चलिए बात करते हैं इसके हेडरूम की, तो सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से, ये 4-5 mm के आसपास का है। अब इसकी अपन लेग स्पेस की बात कर लेते हैं, ये भी 5-7 inch के आसपास का हमें मिल जाता है। चलिए ये तो बात हुई इस साइड की, अब अपन बात करते हैं थोड़े पीछे साइड में, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है हीटर्स वगैरह का ऑप्शन जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मिल जाती है पार्सल ट्रे, साथ ही में पीछे के सेफ्टी वालों के लिए मिल जाती है हमें सीट बेल्ट। जैसा कि आप सबको पता होगा टाटा टियागो 4-star सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। तो चलिए चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसी की ऑनरशिप रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि रहेगी ऑनरशिप रिव्यू पर। तो चलिए